देश गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का है। क्यों? रोजगार छोटे व्यापारी पैदा करते हैं, दुकानदार छोटा दुकानदार पैदा करता है। 1% आबादी के पास 33% धन, 10% आबादी के पास 65% धन, 50% आबादी के पास 6% धन, ये क्या हो रहा है? राहुल गांधी बोले, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। मोदी भी हिंदुत्ववादी हैं, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राहुल गांधी ने जयपुर में मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा देश को 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनके काम आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के हाथ में है, हर संस्थान एक संगठन के हाथ में है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के OSD है, देश को जनता नहीं चला रहे, 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री अजय माकन जी हैं। रैली में सोनिया गांधी भी शामिल हुई, अशोक गहलोत जी भाषण नहीं दिया। राहुल ने कहा कि दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, हर शब्द का अलग मतलब होता है। चरणजीत सिंह चन्नी जी, आज दो शब्दों के मतलब अलग हैं, एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द है, इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क होता है, हिंदू सत्य को ढूंढता है, हर जगह कट गया फिर भी हिंदू सच को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्य रहा, पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है, जबकि हिंदुत्ववादी पूरी जिंदगी सत्ता को ढूंढने और सत्ता पाने में निकाल देता है, वह सत्ता के लिए किसी को भी मार देगा। हिंदू का रास्ता सत्याग्रह होता है और हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह होता है। राहुल ने कहा देश की सरकार कहती है कि कोई किसान सही नहीं है। मैंने पंजाब के लिए हरियाणा से नाम लिए, 500 लोगों को लिस्ट सांसद में दी, उनसे कहा कि पंजाब की सरकार ने कंपनसेशन दिया है, आप भी दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। राहुल ने कहा कि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं, ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। आज देश में दर्द है, महंगाई है, तो ये काम आज हिंदुत्ववादियों ने किया है, उन्हें किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि 700 किसान शहीद हुए हैं, यहाँ हमने 2 मिनट मौन रखा, सांसद भी मौन रखने नहीं दिया गया, हम खड़े हुए मौन नहीं किया। बेरोजगारी के बारे में 400 किसानों को पंजाब की सरकार ने 5 लाख रुपए दिए, उनमें से 152 को रोजगार दिला दिया है, बाकी को दिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पीछे से छुरा मारा है, वे हिंदुत्ववादी हैं इसलिए पीछे से छुरा मारा। हिंदू आगे से मारता है, पीछे से नहीं मारता। हिंदुत्ववादी जलाता है, धमकाता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मुझे सत्ता मिले मैं सच्चाई का साथ देता रहूंगा। उन्होंने उद्योगपतियों को रियायत देने को लेकर भी राहुल ने कहा, मोदी जी 24 घंटे यानी सुबह उठते ही कहते हैं आज दाढ़ी को क्या देना है, ऐसे देश नहीं चलाया जाता है, देश गरीबों का, किसान छोटे दुकानदारों का है, ये ही लोग इस देश को रोजगार दे सकते हैं। अडाड़ी अंबानी की जगह रोजगार पैदा नहीं कर सकते, रोजगार छोटे बिजनेस वाले किसान पैदा कर सकते हैं। राहुल भूल गए कि चन्नी नहीं आए, भाषण के दौरान राहुल गांधी भूल गए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी रैली में नहीं आए हैं, वे बार बार चन्नी की मौजूदगी बताते रहे, उन्होंने 2 बार चन्नी का नाम पुकारा, फिर सोनिया गांधी इशारा करके उन्हें बताया कि चन्नी रैली में नहीं आए हैं। अधिक जानकारी के लिए देश के लिए खबरदार न्यूज, तब तक के लिए धन्यवाद। जनता नहीं चला रही है देश को, 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, GST लागू किया गया, काले कानून बनाए गए और कोरोना के समय आपने देश की जनता और देश की हालत देखी, मगर इन चीजों के बोलने से पहले मैं आज आपसे
एक दूसरी बात करना चाहता हूं। देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में है, कौन सी विचारधाराओं के बीच में है। 5 मिनट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं और फिर उसके बाद महंगाई, काले कानूनों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में खुल के आपसे बोलूं। आप जानते हो कि 2 जीवों की 1 आत्मा नहीं हो सकती। क्या 2 जीवों की 1 आत्मा हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही 2 शब्दों का 1 मतलब नहीं हो सकता। दो जीवों की 1 आत्मा नहीं हो सकती, 2 शब्दों का 1 मतलब नहीं हो सकता। हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की, इनके मतलब अलग हैं। 1 शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये 1 चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी, फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्यग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं,
उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा, किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्ताग्रह है। हिंदू भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है, हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और एक इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर दुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। डर से नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपने आपको ये भाषण क्यों दिया, क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मैं सच्चाई चाहता हूं, मैं सच्चाई ढूंढता हूं, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। वैसे ही ये कहते हैं, मुझे सत्ता चाहिए, सच्चाई से मुझे कुछ लेना देना नहीं। सच्चाई जाए बाहर में, मुझे कुर्सी मिल जाए बस। और 2014 से इन लोगों का राज, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है, कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है, कहां लिखा है मुझे दिखा दो, कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है सत्य की लड़ाई लड़ो, मर जाओ कट जाओ, सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। यह लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू
हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, क्योंकि हमारी जनता को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। छोटा सा उदाहरण, आज हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है। 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन, और सबसे गरीब 50% आबादी के हाथ में 6% धन। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे गरीब 50% के हाथ में इस देश का सिर्फ 6% धन छोड़ा है। यह जादू कैसे किया, इस जादू के कौन से औजार थे और इस जादू को किसने किया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। औजार नोटबंदी, जीएसटी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान का जो असंगठित सेक्टर था, छोटे दुकानदार, गरीब लोग, छोटे कंपनी वाले जो घर में अगरबत्ती बनाते थे, चप्पल बनाते थे, जूता बनाते थे, कपड़े सिलते थे, किसान जो संगठित नहीं थे, मोदी जी के आने से पहले असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 52% हुआ करता था। नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून और कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र का भाग 20% तक पहुंच गया। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का 90% फायदा, 90% प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 कंपनियों को जाता है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, ये जो इस रैली को 5 मिनट के लिए दिखाएंगे, ये उनके गुलाम है। नहीं है, ये हिंदू हैं, मगर इनको दबाया गया है। हिंदुत्ववादियों ने इन बेचारों को दबा दिया है। मगर हिंदू को नहीं दबाया जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता, 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम डरते नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते। लो तो नरेंद्र मोदी जी और उनके 3-4 उद्योगपतियों ने, हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 10 साल में बर्बाद, 8 साल में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, 7 साल। जो पहले किसान पैसे बनाता था, हमने कर्जा माफी की। हम बात को समझे कि किसान को मदद करने की जरूरत है, कर्जा माफी की। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे, कमलनाथ बैठे, चन्नी जी बैठे, हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं
कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। भाई और बहनों, पीछे से छुरा मारा और फिर कहते हैं जब जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और फिर चन्नी जी बैठे हैं। भाई और बहनों, 700 किसान शहीद हुए। यहां हमने 2 मिनट मौन रखा, पार्लियामेंट में मौन रखने नहीं दिया। मैंने कहा अगर आप नहीं करना चाहते मैं खड़ा हो जाता हूं। ऑपोजिशन के लोग 2 मिनट खड़े हुए, मौन नहीं किया। चन्नी जी से आप पूछिए, चन्नी जी हैं नहीं? चन्नी जी से अगर आप पूछेंगे कहेंगे 400 किसानों को, 400 शहीद किसान के परिवारों को पंजाब की सरकार ने 5 लाख रुपए दिए और उनमें से 152 को रोजगार दिलवा दिया है और बाकी को हम रोजगार देने जा रहे हैं। आप है ना, सही बोला। हिंदुस्तान की सरकार कहती है, पार्लियामेंट में कहती है हमें मालूम नहीं कौन से किसान मरे, हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, कोई किसान शहीद हुए ही नहीं। पार्लियामेंट में कहा हम कॉम्पनसेशन कैसे दें, हाँ तो मालूम ही नहीं। मैंने पंजाब की लिस्ट ली, हरियाणा से 70-80 और नाम लिए, 500 लोगों की लिस्ट मैंने पार्लियामेंट में रखी और कहा देखिए पंजाब की सरकार ने मुआवजा दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, आप भी दे दीजिए। माफी मांगी, पहले पीछे से छुरा मारा, फिर माफी मांगी और जब कॉम्पनसेशन देने की बात आई, 5 लाख 10 लाख 25 लाख रुपए देने की बात आई तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता क्योंकि वो किसान मरे ही नहीं, वो शहीद नहीं हुए। तो ये जो सोच है हिंदुत्ववादियों की, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगी, 1000 किलोमीटर ले जाएगी, प्रधानमंत्री कहेंगे देश के अंदर कोई नहीं आया, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि चाइना हमारी देश के अंदर आ गई, चाइना की सेना हमारे देश के अंदर है। भाइयों बहनों, थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, गैस सिलेंडर 2014 में 414 रुपए, 221 900 रुपए, 117% बढ़ोतरी। पेट्रोल 70 रुपए, आज 100 रुपए, डीजल 60 रुपए, आज 90 रुपए, चीनी 30 रुपए, आज 50 रुपए, घी 350 रुपए लीटर, आज 650 रुपए लीटर, आटा 15 रुपए, आज 30 रुपए, दाल 70 रुपए, आज 190 रुपए। अच्छे दिन आ गए, आ गए अच्छे दिन।
किसके? हम दो, हमारे दो, उनके। एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, कोल माइन देखो, टेलीफोन देखो, सुपरमार्केट देखो, जहां भी देखो भैया दो लोग दिखेंगे आपको, अदानी जी अंबानी जी। उनकी गलती नहीं है। देखो भैया, आपको अगर कोई मुफ्त में कुछ दे, आप क्या वापस दे दोगे? नहीं दोगे। उनकी गलती थोड़ी है, गलती प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की है। 24 घंटा सुबह उठते कहते भैया आज अदानी अंबानी को क्या दे, चलो भैया आज एयरपोर्ट दे देते हैं, चलो भैया आज किसानों के खेत दे देते हैं, चलो आज खनन दे देते हैं, माइन दे देते हैं। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है।